खिलाड़ी अक्षय कुमार के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अक्षय साल में कई फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। 2020 में भी उनकी लक्ष्मी बॉम्ब, पृथ्वीराज और सूर्यवंशी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज होने वाली हैं। तो वहीं अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे और बेल बॉटम के साथ 2021 भी बुक कर लिया है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि अक्षय कुमार यशराज बैनर की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी धूम का पार्ट बनने जा रहे हैं। जी हां, सोर्सेस की माने तो अक्षय कुमार धूम 4 में भी नजर आ सकते हैं। इस बात का खुलासा फिल्म ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने अपने ट्वीट के जरिए किया है। अतुल मोहन ने अक्षय कुमार के फैंस को बड़ी खुशखबरी देते हुए लिखा, धूम 4 के लिए किसी और को नहीं बल्कि अक्षय कुमार को साइन किया गया है। हालांकि इस बात की आधिकारिक सूचना अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। वहीं जब से फैंस को इस बात का पता चला है, तब से धूम 4 ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अक्षय कुमार की धूम 4 को लेकर अतुल मोहन ने लिखा, एक सूत्र ने खुलासा किया है कि अक्षय कुमार धूम 4 के लिए तय किए गए हैं, इसकी आधिकारिक सूचना का इंतजार करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यशराज ने अक्षय कुमार के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि वो हर सेलेब के साथ करते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान, धूम 4 और एक और फिल्म शामिल है, जिसका अभी ऐलान नहीं किया गया है। धूम का पहला पार्ट 2004 में रिलीज हुआ था। पहले पार्ट में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन का जलवा देखने को मिला था। वहीं दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने अपने लुक और एक्शन से सबका दिल जीता था। धूम 2 2009 में रिलीज हुई थी। धूम 3 में आमिर खान डबल रोल में नजर आए थे। उनके साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ लीड रोल में थी। ओवरऑल देखा जाए तो धूम के सभी पार्ट एक से बढ़कर एक हैं। ऐसे में अक्षय कुमार से उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। धूम 4 में अक्षय का किलर लुक और धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार ने कुछ समय पहले ही एक और फिल्म अतरंगी दे की घोषणा की थी, जिसमें वो एक्ट्रेस सारा अली खान और धनुष के साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही सूर्यवंशी में नजर आने वाले हैं। उनकी ये फिल्म 27 मार्च को रिलीज हो रही है। वहीं इस फिल्म का टीजर बिग बॉस के फिनाले पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ अक्षय कुमार के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तहत बनाया जा रहा है। इसके अलावा अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब और पृथ्वीराज चौहान भी इस साल रिलीज होनी है। लक्ष्मी बॉम्ब इस साल ईद पर रिलीज होगी। HS News के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।